हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। जिन स्टॉक्स में हम कल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम मंगलवार की बात करते हैं, यानी अगर 9 मई की बात करें, सो मंगलवार के दिन इन चार स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो शानदार प्रॉफिट इन स्टॉक में मिलने के चांस है। तो देखिए, कल के लिए हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक होंगे एमटर टेक्नोलॉजीज। अगर हम एमटर टेक्नोलॉजी शेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। मतलब नीचे से एंट्री लेने के बाद स्टॉक कुछ इस तरफ से मोमेंटम दे रहा है, मतलब रेंज बाउंस कर रहा है। ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब अच्छी बाइंग यहाँ पर आ जाएगी। ऊपर की तरफ दिखा जाए तो आप देख सकते हो जो ट्रेंड लाइन है, ये ऑलरेडी 4-5 बार स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस ले रखा है। तो कल अगर इसका ब्रीच हो, मतलब इसका ब्रेकआउट आए, तो हम बाई की तरफ जाएंगे। स्टॉक को 1898 के ऊपर स्टॉक को बाई करना है। टारगेट होंगे 1908 रुपया, दूसरी 1910 रुपया और 1888 का लेवल पे यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे फिसल जाता है और नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, तो शानदार गिरावट भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये जो सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका ब्रीच हो तो स्टॉक फटाफट गिर जाएगा, क्योंकि सेलर यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से स्टॉक को सेल करेगा। तो हम सेल की तरफ देख सकते हैं, इससे इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। 1848 के नीचे स्टॉक को सेल करना है। टारगेट होंगे 1838 रुपया, दूसरा 1835 रुपया और 1898 का लेवल पर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मंगलवार के लिए हमारा दूसरा एंट्री स्टॉक होंगे चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर शेयर पी अगर दिखा जाए, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न, मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। नीचे से एंट्री लेने के बाद स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंस कर रहा है, दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करें तो शानदार बाइंग देखने को मिल जाएगा, तो बाय कर सकते हो स्टॉक को। बाइंग लेवल की अगर बात करें, तो आप देख सकते हो 302 की ऊपर स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं। टारगेट 304 रुपये, दूसरे 305 रुपये और 300 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे फिसल जाता है, नीचे के सपोर्ट ब्रेस करता है, जो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, तो स्टॉक में काफ़ी शानदार सेलिंग भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फटाफट से स्टॉक में सेलर ज़्यादा आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे गिरावट आएगा आप सेल करेंगे। 299 के नीचे सेल करना है। टारगेट 297 रुपये, दूसरे 296 रुपये और 301 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो चंबल फर्टिलाइजर हो गया हमारा दूसरा एंट्री स्टॉक, जिनमें हम कल एंट्री कर सकते हैं। मंगलवार के लिए हमारा तीसरा एंट्री स्टॉक होंगे चिपला। सिप्ला शेयर पे अगर दिखा जाए, तो यहाँ पर शानदार बाइंग मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर राउंडिंग टॉप का, राउंडिंग बॉटम का पैटर्न मिला है। देखिए, यहाँ पर अटैम्प किया था, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, उसके बाद देखिए राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्म किया, जो कि काफ़ी अच्छी बुलिश पैटर्न होता है। मतलब जैसे इस लेवल का ब्रेक करेगा, अगर रिटेस्ट होता है, तो शानदार बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो हम स्टॉक को बाई करेंगे, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा, इसके ऊपर कुछ टाइम होल्ड कर दे या रिटेस्ट करें, तभी हम बाई की तरफ जा सकता है। 937 के ऊपर स्टॉक को बाय करना है। टारगेट होंगे 941 रुपया, दूसरे को 943 रुपये और 961 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो सिप्ले में हम सिर्फ बाय का लेवल देखेंगे। स्टॉक अगर इसे गिर जाए, तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग एंट्री नहीं होगा यहाँ पर। और मंगलवार के लिए हमारा चौथा एंट्री स्टॉक होंगे डेल्टा कॉर्पोरेशन। डेल्टा कॉर्पोरेशन शेयर पे दिखा जाए, यहाँ पर हमें एसेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक नीचे की तरफ एक ट्रेंड एंड सपोर्ट बनाए हुआ है, जिससे बार बार रिटेस्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, जिनमें भी ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस ले रखा है। इसका मतलब कि देखिए, स्टॉक अगर कल इसे राइज कर दे, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक कर, तो शानदार बाइंग आ जाएगा। और कल इसका 80% चांस है कि ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दे दे स्टॉक में, तो हम बाई के लिए ज़्यादा देखेंगे स्टॉक को। तो जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, हम स्टॉक को बाई करेंगे। 214 रुपया 50 पैसा के ऊपर स्टॉक को बाई करना है। टारगेट होंगे 216 रुपया 50 पैसा, दूसरा टारगेट 217 रुपया और 212 रुपया 50 पैसा के यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे फिसल जाता है, जैसे कि ट्रेंड एंड सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, तो स्टॉक को सेल की तरफ जा सकते हो। 210 के नीचे स्टॉक को सेल करना है। टारगेट 208 रुपया, दूसरे के 207 रुपया और 212 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। और इन सारे स्टॉक के अलावा कल आप CDSL को भी ट्रैक करेंगे। इस स्टॉक में फिलहाल एक लंबी कंसोलिडेशन दिखी है रेक्टेंगल के बीच में। पता नहीं कल भी ब्रेकआउट मिले या नहीं। ब्रेकआउट मिले तो एंट्री लीजिएगा, ब्रेकआउट ना मिले तो एंट्री मत लीजिए। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो हम बाय करेंगे, जो 997 के ऊपर बन जाए। नीचे के साइड का ब्रेकडाउन दे, तो हम स्टॉक को सेल करेंगे, जो 987 के नीचे बनती हुई नज़र आ रही है। तो अपने हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा जरूर। लेकिन कल भी इसका ब्रेकआउट मिले, इसका कोई गारंटी नहीं है। ब्रेकआउट और 2-3 दिन बाद मिल सकता है, लेकिन जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, एक तगड़ा यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा शेयर में। अगर हम बात करें कल का स्टॉक की परफॉर्मेंस की, जो कल का वीडियो में दिया था, कल वैसे मैं 8 स्टॉक दिया था, लेकिन बुरी बात तो यह है कि 8 में से 1 भी स्टॉक में एंट्री पॉइंट नहीं मिला है। मतलब मैं बियरिश के लिए दिया था, लेकिन मार्केटस बुलिश था। मार्केट में यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर बुल ट्रैप हो सकते, मुझे लगता था, लेकिन आज बुल ट्रैप हुआ नहीं, मतलब मार्केट इसे कंसोलिडेट कर गई। सो 1 भी स्टॉक में ऐसा एंट्री पॉइंट नहीं था, जो स्टॉक में कल दिया था आपको।